आप सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं तबारक हुसैन, मोटिवेशनल स्पीकर, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ इंस्पायरिंग सक्सेस क्लब। आज हम अपने चैनल पे उपस्थित हैं। आप जैसा कि देख पा रहे हैं कि मेरे साथ कोई खास मेहमान आया हुआ है जो कि उपस्थित है, और आज हम आपको इनसे मिलवाएंगे। ये एक अच्छे, बहुत ही एक अच्छे सिंगर हैं, और इनका एक अपना यूट्यूब चैनल भी है। और पिछले एक सप्ताह पहले इनका कोई सॉन्ग वायरल हुआ था, तो मुझे लगा कि उनसे जाकर मिलना चाहिए और उनके जर्नी के बारे में जानना चाहिए। उन्होंने अपनी जर्नी को कैसे स्टार्ट किया, कैसे वो ये सारी चीज़ों को हैंडल करता है, कैसे टाइम को मैनेज करता है, इन सारी चीज़ों को लेकर सवाल है हमारे पास, और हम इस सारी चीज़ों को जानना चाहेंगे इनके साथ। तो आइए हम आपको मिलाते हैं सैंटोनिक संतोष से, जो कि एक बहुत ही अच्छे सिंगर हैं, उनसे हम मिलाते हैं। साथ ही साथ वो मेरे एक अच्छे फ्रेंड भी हैं, तो आइए हम आपको मिलवाते हैं। संतोष जी, आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे चैनल पे आए और मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई। सबसे पहले तबारक भैया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे प्यारे दर्शकों, आप सभी का भी प्यारे बहुत सारे प्यार और धन्यवाद कि भैया ने आज हमको बुलाए हैं अपने चैनल पे, और ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। और पता नहीं भैया क्या क्या पूछेंगे। अब विशेष रूप से कोई खास सवाल नहीं है, सबसे पहले तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा कि आज जो आप मेरे चैनल पर उपस्थित हो, तो आपको कैसा फील हो रहा है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि अपना घर में आए हुए हैं। अच्छा, इससे पहले कभी आपने किसी चैनल पे जाके इंटरव्यू दिया? नहीं, झूठ क्यों बोलेंगे, नहीं दिया। मुख्य रूप से मेरा कुछ सवाल था जो कि मेरे अंदर पड़ा हुआ था, मुझे लगा कि आपसे जाकर पूछना चाहिए, क्योंकि जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ पिछले एक सप्ताह या दो सप्ताह लगभग हुआ होगा आपका कोई सॉन्ग वायरल हुआ था, तो मुझे, मैंने उस गाने को सुना तो मुझे थोड़ा सा इंस्पिरेशन मिली कि इस बंदे से जाके मिलना चाहिए कि आखिर किस तरीके से ये अपना काम कर रहा है, कैसे हैंडल करता है, जानने की इच्छा हुई, और इसलिए मैंने आपको पर्सनली इनवाइट करके अपने चैनल पे बुलाया। तो आपसे मेरा एक सवाल है कि आप ये सारी चीज़ों को जो कर रहे हैं, तो आपको इंस्पिरेशन कहाँ से मिली इन सारी चीज़ों को करने का? क्योंकि जैसा कि हम देख पा रहे हैं अभी का जो माहौल है, सोशल मीडिया को बहुत ही कम लोग यूज़ करते हैं और गलत तरीके से ज़्यादा यूज़ करते हैं, सही वे में सही कोई यूज़ नहीं करता है। बहुत ही कम लोग हैं जो कि सोशल मीडिया को सही तरीक़ा से सही दिशा में लेके जाता है, काम करता है। लेकिन आप एक ऐसे गांव से हैं, एक छोटे मोटे गांव से हैं, और गांव से रहने के बावजूद भी आप इस तरह से काम कर रहे हैं, कैसे करते हैं ये सारा चीज़? जहाँ तक सबसे पहली बात तो आप ये बताइए कि आपको इंस्पिरेशन कहाँ से मिली ये सब करने का। जहाँ तक इंस्पायरेशन का बात है, हम ये बताना चाहेंगे कि संगीत जो है मेरे रग रग में बसा हुआ है। अगर संगीत नहीं होगा, अच्छा, तो बचपन से ही आपको शौक था, तो शायद हम नहीं होते, ठीक है? तो जैसे होता है ना जन्म से, तो समझिए कि संगीत हमको विरासत में मिला है जन्म से, और इसके बिना मेरा जीवन जो है अधूरा है, ठीक है? और उसके बाद जहाँ तक ये मेरा सफ़र है, सफ़र तो मेरा बचपन से ही जारी है, अभी भी जारी है। और सबसे पहले ये एक बात बताना चाह रहे हैं कि हम जब पढ़ते थे बचपन में स्कूल में, विद्यालय में, तो वहाँ भी हम गाना गाते थे, वहाँ भी अपना परफॉर्मेंस देते थे, चाहे देशभक्ति गीत हो, भक्ति गीत हो, या फिल्मी रोमांटिक सॉन्ग हो, कोई भी गाना हो, तो हम वहाँ गाते थे। और हमेशा मेरा ये फिक्स रहता था, मेरे टक्कर में कोई नहीं था, ये घमंड नहीं है, हम अपने बारे में बता रहे हैं जो मेरे साथ हुआ है। मेरे टक्कर में कोई नहीं था, बहुत लड़के थे जो गाते थे, लड़कियां भी गाती थी, लेकिन हमेशा मेरा ही प्रथम स्थान रहता था। अच्छा। तो इससे और मुझे क्या हुआ कि दिन ब दिन इंस्पायरेशन मिलता गया कि क्यों ना हम इस फील्ड को चुने, क्योंकि ऐसा मेरा फैमिली बैकग्राउंड नहीं है कि हम इसको प्रॉपर में लें, क्योंकि जब टाइम मिलता है, जब टाइम होता है, तो हम गाते हैं गाना। और आप जैसा कि आप हमको बताए थे कि यूट्यूब चैनल क्रिएट कीजिए, उस पर गाना डालिए, ये चीज़ आप ही से सीखे, आप ही बताए थे, शायद मेरा गाना भी आप ही अपलोड किए थे मेरे चैनल पे, मुझे भी याद है। हाँ, चूँकि नहीं चला था वो अलग बात है, लेकिन तब से लेके आज तक सफ़र जारी है, और हमको लग रहा है कि हम ये सफ़र कभी नहीं छोड़ें। जहाँ तक बात रही कि सपोर्ट की बात करें, तो आपको क्या सपोर्ट मिल पा रहा है दोस्त से, घर वालों से, पास पड़ोस वालों से, फ्रेंड सर्कल से? सपोर्ट की बात कर रहे हैं ना भैया, सपोर्ट है, ऐसा नहीं कि सपोर्ट नहीं है, घर से भी सपोर्ट है, और कुछ बच्चे लोग हैं उनका भी सपोर्ट है कि भैया अंकल गाइए, बहुत अच्छा गाते हैं, और वीडियो डालते रहिए। और इसमें जो सबसे बड़ा सपोर्ट है, कभी कभी जो एक विजय कुमार शर्मा भैया हैं, वो भी बहुत सपोर्ट करते हैं, वो भी बहुत तारीफ करते हैं, मिलते हैं, और कभी कभार तो बहुत तरह का सपोर्ट करते हैं, क्या बताएं, बहुत अच्छा लगता है। एक चीज़ और आपसे पूछना
चाहते हैं हम कि जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि समय का अभाव है, हालांकि समय तो सब किसी के पास बहुत है लेकिन फिर भी अभाव है, क्योंकि सोशल मीडिया को लोग गलत तरीके से यूज़ कर रहे हैं। कोई फेसबुक पे टाइम स्पेंड कर रहा है, इंस्टाग्राम पे टाइम स्पेंड कर रहा है, लेकिन कर कुछ नहीं रहा है, कुछ नहीं कर रहा, बोले टाइम बिना मतलब का स्पेंड करते हैं। ये सारा चीज़ करने के बावजूद आप अपने टाइम को कैसे मैनेज करते हैं? देखिए, अच्छा क्या आप फेसबुक यूज़ करते हैं? हाँ करते हैं। कितना टाइम दे देते हैं? इसका कोई लिमिट नहीं है, जब जब टाइम मिलता है तो फेसबुक पे देख भी लेते हैं कि क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है, कहाँ क्या हो रहा है, ये भी देखते हैं। ज़रूरी है? हाँ ये चीज़ देखते हैं। और क्योंकि पढ़ाई भी करते हैं, अभी मेरा पीजी का पढ़ाई चल रहा है, इंग्लिश से हम पीजी कर रहे हैं। आप टाइम को मैनेज कैसे करते हैं? अच्छा, तो टाइम का जैसे कि जब भी हमको टाइम मिलता है, जैसे हम कोई काम कर रहे हैं, ठीक है, पढ़ाई करके आए या कॉलेज जा रहे हैं, कहीं बैठे अगर टाइम मिला तो तुरंत ऑन द स्पॉट हम वीडियो शूट कर लेते हैं। अच्छा। हम ये नहीं देखते हैं कि यहाँ का माहौल कैसा है, कौन सा आवाज़ आएगा, पूरा नेचुरली, ये नहीं ऑटो ट्यून इको वगैरह कुछ नहीं डालते हैं अपना गाना। जो मेरा ओरिजिनल वॉइस है हम उसको रिकॉर्ड करते हैं। एक मामूली सा मेरे पास फोन है, सैमसंग गैलेक्सी J6, उसमें रिकॉर्ड करते हैं। मतलब एक छोटा सा फोन से हम जिंदगी में कुछ भी कर सकते हैं, दर्शकों के बीच में दे देते हैं कि जो वो उनका प्रतिक्रिया है वो दे, और उनका प्रतिक्रिया, यानी कि आपका कहने का मतलब है कुछ भी करने के लिए जरूरी नहीं है कि बहुत सारा चीज होना चाहिए, हम थोड़ा थोड़ा करके छोटे छोटे चीज़ों से, छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट से भी आगे बढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। काफ़ी देर से आपसे बातचीत हो रही है और बहुत ही ज़्यादा मुझे खुशी महसूस हो रहा है, और एक सिंगर से इतना देर से बातचीत होने के बावजूद उनसे हम गाना ना सुने तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता। तो खास करके मेरी दिली इच्छा तो है ही, और साथ ही साथ हम चाहते हैं कि दर्शकों की ओर से आप एक गाना सुनाइए जो पिछले सप्ताह आपका वायरल हुआ था। जरूर, जरूर। और उस गाना को एकदम से सुनने की इच्छा हो रही है और हम भी सुनेंगे, साथ ही हमारे साथ जो दर्शक है, जो भी ऑडियंस है, वो भी आपको जाने, वो भी सुने। तो क्या आप तैयार हैं सुनाने के लिए? जरूर जरूर जरूर। तो हम चाहते हैं कि आप गाने को गाकर सुनाइए। पता नहीं कि ये गाना इतना हिट हो जाएगा, इतने लोग इनको प्यार करेंगे, नहीं पता मुझे कौन गाना था, लेकिन सुनाना सुनाएंगे जरूर। वो गाना था पवन सिंह पावर स्टार जिसको कहते हैं, उन्हीं का गाना था, बहुत अच्छा गाना है, बाजीगर मूवी का गाना। गाना का बोल है, एक पल में मिला के नजरिया, तू समा गईलु दिल के भीतरिया, एक पल में मिला के नजरिया, तू समा गईलु दिल के भीतरिया, अखिया चाहे ला निहारी तोहर रूप हर दम लेला हमसे कसम, एक पल में मिला के नजरिया, जब से भइल बा दिल में प्रीतिया सयान हो, बसे लागल जान अब तक तुहरे में जान हो, हो जब से भइल बा दिल में प्रीतिया सयान हो, बसे लागल जान अब तक तुहरे में जान हो, हो के प्रीत में तोरे दीवाना, मनवा खोजत रहे ला रोजाना, जीना पाइब हो के तुहसे अब तक दूर ये सनम लेला हमसे कसम, एक पल में मिला के नजरिया। दिल को छू गया आपका गाना, बहुत ही अच्छा लगा सुन के और सुकून मिला काफ़ी। हालांकि सॉन्ग तो आपका भोजपुरी है और लेकिन काफ़ी हद तक बढ़िया है, और इस चीज़ को भोजपुरी गाने को सुनने के बाद मेरे मन में एक सवाल आया, और आप अगर बुरा ना माने तो हम पूछ लें। पूछिए, कोई दिक्कत। जितना सारा आपका गाना आपके चैनल पे जो हमने देखा, सभी गाना कोई इशू नहीं है, बहुत ही अच्छा है, और ख़ास करके अभी का जो जनरेशन हम देख रहे हैं अश्लीलता को बहुत ही ज़्यादा बढ़ावा दे रहा है, आपके चैनल पे इस टाइप का गाना क्यों नहीं है? नहीं देखिए, ऐसा है कि अगर हमको फेमस होना रहता तो बहुत सारे नए नए जो स्टूडियो खोल रहे हैं लड़के लोग, वो ऑफर भी किए कई बार कि एग्रीमेंट करेंगे भैया आपके साथ, और 3 साल 4 साल 5 साल का एग्रीमेंट करेंगे, और गाना मेरा जो होगा हम गवाएंगे। तो पूछे भी भाई किस तरह का गाना,
तो जो भी गाना हिट होने के लिए जो भी करना पड़े आपको गाना होगा। तो अगर वैसा रहता तो अश्लीलता को गा के हम कब का हिट हो गए होते। अच्छा। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं किए हम। और भोजपुरी में जितने जो भी तरह का गाना हो हम अच्छा अच्छा गाना चुनते हैं और उसका जो है कि हम कवर वर्जन बनाते हैं। चलिए, जानकर बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई कि आप अश्लीलता को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं, एक सही दिशा में जा रहे हैं, सही चीज़ों को आप फॉलो कर रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा खुशी हुआ। एक सवाल और है आपसे कि अंतिम सवाल है, परेशान नहीं होना, बहुत ही लास्ट है, पूछना ये चाह रहे हैं कि सिंगिंग की दुनिया में आगे आपका क्या प्लान है कुछ करने का? हाँ, प्लान मेरा यही है कि चूँकि मेरे पास उतना ये पैसे वगैरह नहीं है कि हम इंस्ट्रूमेंट वगैरह खरीद सकें और वैसा सेटअप बैठा सकें या होम स्टूडियो तैयार कर सकें, तो देखते हैं कब तक चलता है। म्यूजिक को तो ऐसे छोड़ना है ही नहीं, छूटेगा ही नहीं हमसे, चाहे हम जहाँ भी रहें। मतलब कभी हार मानने वाले नहीं है? हार तो मतलब कभी है ही नहीं, हार शब्द का कोई डिक्शनरी में है ही नहीं। जब तक चल रहा है, जब जहाँ तक चल रहा है, कोई ऐसा मिलेगा जिसको मेरा आवाज़ दिल पे लगेगा, अगर वैसा कोई होगा कंपोज करने वाला, तो ज़रूर हम जाएंगे उसके साथ काम करेंगे। या वैसा पर विश्वास रखिए, जरूर होगा और वो समय आएगा। और दिन ब दिन मेरे दर्शक लोग बढ़ते जा रहे हैं, चैनल पे सब्सक्राइबर भी बढ़ रहे हैं और व्यू भी बढ़ रहे हैं, तो इस तरह का जो भी है हो रहा है और देखते हैं कहाँ तक जा पाते हैं, लेकिन जर्नी छोड़ेंगे। और एक चीज़ और पूछना चाहेंगे आपसे, और हालांकि काफ़ी टाइम ले चुके हैं हम लोग और कोशिश करेंगे कि अब थोड़ा सा टाइम और दो चार मिनट के अंदर हम लोग अपना कन्वर्सेशन को समाप्त करें। एक चीज़ और पूछना चाहते हैं आपसे कि अगर कोई अगर आपके जैसा करना चाहे, अगर उसको भी गाना गाना है, कुछ अच्छा करना है, तो ये सारी चीज़ें वो कैसे करेगा? सबसे पहले हम तो यही बताएंगे कि किसी का वेट मत कीजिए, कोई कुछ किसी को करके नहीं देता है, खुद करना पड़ता है। और आज के ज़माने में सोशल मीडिया का बहुत ही अच्छा माध्यम है, आप घर में जहाँ भी हों उसका यूज़ कीजिए। अगर आप गाना गाते हैं, आपको लगता है कि आप अच्छा गाते हैं, तो एक वीडियो शूट कीजिए, उसको यूट्यूब पे अपलोड कीजिए, क्योंकि हर एक मोबाइल में जीमेल लॉगिन होता है, उसी से आईडी बनता है। अगर नहीं आता है तो बहुत सारे वीडियो यूट्यूब पे पड़ा हुआ, आप सर्च कीजिए यूट्यूब चैनल कैसे बना, वीडियो कैसे अपलोड करें, देखिए और बनाइए, डालिए, आगे बढ़ते जाइए। आपका कहने का मतलब है ये सारी चीज़ें करने के लिए कुछ नहीं चाहिए? कुछ नहीं चाहिए, बस एक फ़ोन मेरे हाथ में आ जाए। बस और एक आप हमको लगता है कि जियो फ़ोन से भी कर सकते हैं, है ना? जियो फ़ोन जो है 700-800 रुपये का आता है, उससे भी आप कर सकते हैं, क्योंकि फ़ोन मायने नहीं रखता, कैमरा मायने नहीं रखता, आप में क्या है वो मायने रखता है। आप अपना प्रेजेंटेशन किस अनुसार दे सकते हैं वो मायने रखता है। मतलब आसान तरीके से अगर आपके पास कोई स्मार्टफोन है या आपके पास एक स्मार्टफोन, एक छोटा सा ट्राइपॉड है, तो कोई ज़रूरी नहीं है, आपके अंदर जो भी स्किल है उस चीज़ को आप प्रेजेंट कर सकते हैं, दिखा सकते हैं, दे सकते हैं, यही चीज़ है ना? कोई भी क्षेत्र हो, डांस करना आता है आप वो कर सकते हैं, गाना गाना वो, पेंटिंग करना आता है, ड्राइंग करना आता है, मतलब हमारे अंदर जो भी स्किल है, कोई भी जो भी चीज़ जानकारी है जानते हैं, उस चीज़ को हम प्रेजेंट कर सकते हैं। तो उसके लिए अगर हमें प्लेटफॉर्म की ज़रूरी है, प्लेटफॉर्म चाहिए, तो वो हमारा सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया है ना, कोई आपको कोई दे कुछ देना दे, सोशल मीडिया बहुत कुछ देने के लिए बैठा होगा। अच्छा, एक चीज़ और मेरे माइंड में जाते जाते एक सवाल आ रहा है, बहुत ही मन को विचलित कर रहा है, पेशेंस कितना रखना पड़ता है? पेशेंस तो देखिए, जन्म लेने के लिए भी 9 महीने का वेट करना पड़ता है। हाँ, तो पेशेंस तो बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से मेरा एक वीडियो वायरल हुआ, फिर दूसरा वीडियो वायरल हुआ, तो कहीं ना कहीं हमको लग रहा है कि बहुत पेशेंस की ज़रूरत है, और जो आदमी धैर्य रखता है वही एक समय शिखर पर पहुंचता है, क्योंकि बहुत ही टाइम लग जाता है। अच्छा, आप कब से हैं यूट्यूब पे? चूँकि यूट्यूब चैनल तो बहुत दिन पहले बनाए थे, एक्टिव इधर ही हुए हैं, क्योंकि पता नहीं था हमको, जब से आप बताए तो एक्टिव हुए हैं, कुछ ही दिन हुआ है हमको एक्टिव हुआ होगा, शायद हमको लगता है 2020 या 21, 20 का लास्ट 21 का शुरू, मतलब कि 21 से आप इसको कंटिन्यू करें। अच्छा, चलिए, बहुत ही अच्छी बात बताया आपने। और एक चीज़ और पूछना चाहेंगे हम कि आपका मेन मोटिव क्या है, आप किस रीजन से काम कर रहे हैं? बहुत सारे लोगों का एक सपना होता है ना, हालांकि जो दुनिया की वास्तविक सच्चाई है मैं उससे आपको रूबरू करवा रहा हूँ, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मैं काम करूँगा तो मुझे पैसा मिलेगा, क्या ऐसा भी सोच है आपका कि हम पैसे के लिए ही कर रहे हैं? नहीं, पैसे के लिए अगर मेन प्रायोरिटी, मतलब आपका जो मेन प्रायोरिटी अभी फ़िलहाल क्या है? सुनिए ना भैया, अगर मेरा प्रायोरिटी रहता सिर्फ पैसा कमाना, तो अभी तक मैं कम से कम 5 स्टूडियो, हमारे शहर में 5 स्टूडियो का लड़का हमसे कांटेक्ट कर चुका है यूट्यूब के माध्यम से। अगर मेरा वैसा रहता मोटिव तो हम कब का गाना गाते, कितना पैसा कमा लेते, स्टेज शो कर लेते, लेकिन हम नहीं किए। आप लोगों को भी ये मैसेज देना चाहेंगे, जैसा कि आपने अभी संतोष जी से सुना कि इनका मेन मोटिव फर्स्ट प्रायोरिटी पैसा कमाना नहीं है,
फर्स्ट प्रायोरिटी है, जो अपना पैशन है उसमें इसको ग्रो करना है। जब ये ग्रो कर जाएगा तो पैसा ऑटोमेटिकली आ जाएगा, उसमें कोई इशू नहीं है, वो तो आ ही जाएगा। और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप हिंदी भी बहुत अच्छा गाते हैं तो भोजपुरी ज़्यादातर क्यों गाते हैं, क्योंकि बहुत अच्छा लगता है और जो मन को अच्छा लगे इंसान को भी करना चाहिए। सही हम हिंदी भी गाते हैं, ऐसा नहीं कि हिंदी नहीं गाते, हिंदी भी गाते हैं बहुत सारा हिंदी। मेरा सांसे सॉन्ग सुनिए, आपको लगेगा कि नहीं वाकई में कुछ गाया है तो सुना दीजिए आप, बोल दीजिए। बहुत सारा गाना ऐसा भी है कि मतलब बहुत अच्छा लगेगा, सुनिए एक बार जरूर मेरे चैनल पर जाइए। समय का अभाव है, काफ़ी समय आपका ले चुके हैं। जाते जाते एक चीज़ और है कि हम चाहते हैं कि एक बार जाते जाते आप दर्शकों को एक गाना सुना कर जाए, ताकि लोग सुने आपकी आवाज़ को सुने, और कोई एक अच्छा सा सॉन्ग जो आपके मतलब जो आपको अच्छा लग रहा हो, जो आपके ज़्यादा करीब हो, दिल के करीब हो, वो गाना आप सुना दीजिए, सुना कर जाइए। मेरी तकदीर का आईना तुझसे ही है मेरे हम सफर, रब से है ये गुजारिश मेरी, तुझको लग जाए मेरी उम्र। जब तक सांसें चलेंगी तुझको चाहूंगा यार, मर भी गया तो भी तुझे करूंगा मैं प्यार, मर भी गया तो भी तुझे करूंगा मैं प्यार। जब तक सांसें चलेगी तुझसे लागी है सी लगन, बिरहा में जल रहा है ये मन, मैं अधूरा हूँ तेरे बिना जैसे दिल के बिना धड़कन। जब तक सांसें चलेंगी तुझको चाहूंगा यार, मर भी गया तो भी तुझे करूंगा मैं प्यार, मर भी गया तो भी तुझे करूंगा मैं प्यार। जबरदस्त, मजा आ गया, दिल खुश हो गया। और एक चीज़ और, जाते जाते आप सभी ऑडियंस से हम गुजारिश करना चाहेंगे कि अगर आप मेरे वीडियो को अगर देख पा रहे हैं और अगर आपको इसका गाना अच्छा लग रहा है, तो मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में इसके चैनल का लिंक डाला हुआ है, आप लिंक पर क्लिक करके इनके चैनल पर जाइए और वीडियो को देखिए, सॉन्ग को सुनिए। अगर आपको अच्छा लगे तो इनके सॉन्ग को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए, ताकि ये और आगे बढ़ सके, इंस्पायर हो सके। चलिए संतोष, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल पर। फिर कभी दोबारा आपसे मुलाकात होगी तो और भी बहुत सारी बातें आपसे होगी। तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।